लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में चल रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और साथ ही स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश को संशोधित करते हुए आगामी आदेश तक बंद करने का नया आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि स्कूलों में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन को बंद कर दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आवेदन जारी रहेगा, लेकिन लॉटरी निकालने पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस दस्तक दे दी है, इसके मद्देनजर पूर्व में जारी आदेश को शिक्षा विभाग ने संशोधित करते हुए तमाम परीक्षा को स्थगित कर दिए हैं और इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद है। 10वीं की परीक्षा तो लगभग पूर्णता पर थी, 80% उसके एग्जाम हो चुके थे और 12वीं के लगभग 60% परीक्षा हो चुकी थी, लेकिन अब आगे इसकी क्या हो सकता है ये परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर परिस्थितियां सामान्य होंगी तो उनकी ली जाएगी, क्योंकि लेकिन पूरे देश में ये जैसे प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री सभी जितने CBSE की सभी परीक्षाएं और ICIC की सभी परीक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सबको संबोधित करके कहा है कि इसमें एहतियात तौर पर और सावधानी बरतना, इसमें भीड़ भाड़ की जगह पर अवॉइड करना है। इतने आपके मंदिर के जलसे हैं, मंदिर के जो भीड़ भाड़ जो इलाका जहाँ होता है कार्यक्रम होते हैं वो सभी को स्थगित किया गया है। जितने भी कार्यक्रम थे सभी को उन्होंने स्थगित किया है, तो ये काफी गंभीरता से हमारी सरकार इसमें ले रही है। इस तो जब 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 चाहे तो कर सकते हैं। उसका अंतिम तिथि ये था कि अंतिम तिथि मतलब इतना तक जितने आवेदन पत्र आए हैं उसका एक जगह करके उसके लॉटरी निकाली जाती थी, क्योंकि लॉटरी में बहुत से लोग आते हैं तो इसलिए उसको स्थगित किया गया है। तो वो हर 15 दिन में या एक महीना में लॉटरी निकालने की परम उसमें व्यवस्था था, क्योंकि अब सबको नहीं बुलाना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इसलिए उसको स्थगित किया गया है। तो अब जो ऑनलाइन वो लोग आवेदन करेंगे वो चलता रहेगा। जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन आवेदन चलता रहेगा, उसका कोई अंतिम तिथि नहीं है उसके भी। जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आवेदन चलता रहेगा और अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि लगभग दुकानें बंद कर दी गई हैं, शॉप वगैरह, और जो गरीब तबके के लोग हैं ज्यादातर ऑनलाइन की व्यवस्था को नहीं जान रहे हैं। अभी अगर बात करें तो 90% तक पहुंच ही नहीं है, तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको? उनके लिए तो जो हैंड में है सीधा कार्यालय में जाकर जमा करने की व्यवस्था बाद में रखना पड़ेगा, या उनके लिए वो कोटा खाली रहेगा? नहीं, मैंने कहा ना कि उसका कोई अंतिम तारीख नहीं है। यदि कोई किसी का अगर अंतिम तारीख रहता तो भी ये होता कि कहाँ जाए, सब दुकानें बंद हैं, क्योंकि उसकी अंतिम तारीख अभी हमने तय नहीं किया है। वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं, आगे भी आवेदन कर सकते हैं, मई तक कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी जो बंद रखा है उसको, तो लेकिन वो कभी भी जैसी परिस्थिति बनेगी आवेदन कर सकता है वो। अब देखना ये होगा कि संक्रमण रोकने में सरकार कब तक कामयाब हो पाती है, और लोगों की बात करें तो या इसमें सावधानी से ही इसको रोका जा सकता है। आज तक इसके लिए इलाज की उचित व्यवस्था नहीं है, लेकिन सावधानी बरतते हुए इसको रोका जरूर जा सकता है। कैमरामैन चोड़ा राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का